सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते खाकी वर्दी हमारी मंजिल। यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे क्लास में हम 26 अक्टूबर 2018 सिर्फ फर्स्ट में पूछे गए 38 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है, आज की क्लास में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों का सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। इस क्लास से लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम हैं उनमें। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फखरुद्दीन अली अहमद। अब बच्चों ये तो क्वेश्चन 75 का तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति का आपको क्रम पता होना चाहिए, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे सीरीज के साथ आपको ये भी पता होना जरूरी है। क्लियर है जी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें आपातकाल, आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है बच्चों? आपातकाल 352 के अधीन है। इसके अधीन 352 के अधीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेबनान की राजधानी क्या है आपको बताना है। प्रमुख देश, उनकी राजधानी और संसद का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कवर कर लेना। लेबनान की राजधानी क्या है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बैरूत। लेबनान आधिकारिक रूप से बच्चों पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर एक स्थित देश है, ठीक है जी। इसके पूर्व में सीरिया देश, दक्षिण में इजराइल स्थित है। बैरूत लेबनान की राजधानी है और लेबनानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। राजधानी व मुद्रा अच्छे से आपको कवर होना जरूरी है। जो आपका त्रिपोली, ये कहाँ की है बच्चों? ये उत्तरी अमेरिका में स्थित लीबिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी तेंगे। क्या होगा जी? तेंगे आपकी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? क्वेश्चन नंबर फोर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। ब्राजील है बच्चों दक्षिण अमेरिका का विश्व का सबसे चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलो महाद्वीप कवर करा देते हैं, विश्व में कितने महाद्वीप है? 7। नंबर एक पर कौन सा है? एशिया। नंबर दो पर आपका अफ्रीका। नंबर तीन पर उत्तरी अमेरिका। नंबर चार पर दक्षिण अमेरिका। नंबर पाँच पर अटलांटिका। नंबर छः पर यूरोप। नंबर सात पर आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, आबादी वाला देश कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ब्राज़ील। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर पाँच, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादन राज्य है? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी असम। कौन सा है जी? असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका ये। असम में ये पूछा जाता है कौन सी रिफाइनरी थी डिगबोई के नाम से है। कौन सी है जी? सबसे प्राचीनतम कौन सी है? डिगबोई। 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत हुई थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात, अगस्त 2019 के अनुसार 2018 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उस टाइम का क्वेश्चन था बच्चों 18 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति H.L. दत्तू थे। ठीक है जी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 में। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर आठ, अगर 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिस टीम के कमांडो की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर आपका आठ का आपका राइट आंसर होगा बच्चों कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 36। कितने जी? 36 कुल महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर नौ, भारत में नई मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन नंबर नौ का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी दिनेश त्रिवेदी को नवाजा गया 2016। 2017 का यह भारथरी मेहताब बीजू जनता दल के हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, अगर 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय त्यागी जी थे। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा खालिस्तान का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण जी? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने वाला, पकाने और उचित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति लीटर प्रतिदिन कितने लीटर है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 50 लीटर है जी। क्वेश्चन नंबर 14, मर्द जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटन करने वाले। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भूमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, इस जल को कहते हैं, इस जल को क्या कहते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे कहते हैं एक्वीफर। क्वेश्चन नंबर 16, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा, कौन सी होती है बच्चों? विषाणु द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं बच्चों, हेजा भी होता है, हेजा प्लेग, टाइफाइड, आपका टेटिनस, काली खांसी, टीबी, ठीक है जी, इसमें हेजा भी है और क्षय रोग भी है, इसलिए भर्ती बोर्ड ने इस क्वेश्चन को क्या किया था बच्चों? कैंसिल कर दिया था, क्योंकि डबल डबल इसका आंसर सूटेबल नहीं बैठ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में 9 की बात है जी। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रैंक विहिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? लेके क्या चलते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेट इंजन। क्वेश्चन नंबर 19, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एस दुलत। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की गई थी, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था, ठीक है जी, जो जीएसटी कानून को तो 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी सहमति प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 21, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ, कौन 27 अक्टूबर कौन से सन को लागू हुआ था? 21 का राइट आंसर 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले को चुना गया है, किसे बच्चों? जालौन जिले को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एशिया खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीते विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 24, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी पहली राजधानी को कहां से स्थानांतरित लखनऊ से स्थानांतरित किया था, मतलब कहां से? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपका इलाहाबाद से किया था आंशिक रूप से, पूर्णतः 1935 से लखनऊ लगातार बनी हुई है। क्वेश्चन 25, गौतम बुद्ध की माँ यह देह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बस्ती में है। क्वेश्चन नंबर 26, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो खालिस्तान में है, फिलहाल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिठूर में है। क्वेश्चन नंबर 27, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान नामक पहला हिस्ट्री समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बनारस अखबार। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और इन्होंने खालिस्तान के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये थे ठुमरी के। क्वेश्चन नंबर 29। भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या आपका फरुखाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 30। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 56 तक रहे थे इन बच्चों। 34 किलोमीटर लंबी ट्रैक था ये बम्बई से थाने के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आए हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या आपका बिहार की सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 32। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए थे? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ये सितार वादक थे जी। क्वेश्चन नंबर 33। जून 2018 में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 284.83 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 34। S&PBSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में खालिस्तान स्टॉक है किस चीज़ का है? क्वेश्चन नंबर आपका 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 खालिस्तान से संबंधित है। पदवियों का उन्मूलन, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकार का निस्तारण, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों को खालिस्तान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह भी आपके मूलिक जो क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, 6 से 14 साल। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपको बताना है कि गलत आपका कौन सा है। क्वेश्चन 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, यह आपका गलत हो जाएगा। 1/3 सदस्यों के तहत होना चाहिए बच्चों कुल संख्या का। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।